हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड नेविगेशन बटन इन Realme 9i। Realme 9i में नेविगेशन बटन कैसे हटाने हैं, ये जो तीन बटन आप देख रहे हैं नीचे की साइड, इन बटन्स को आप कैसे हटा पाएंगे, गेस्चर सेटिंग कैसे इनेबल कर पाएंगे अपने फ़ोन में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। फिर यहाँ से आपको कन्वर्सेशन टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जाना है नेविगेशन वाले ऑप्शन पर, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपके नेविगेशन हो रखे हैं, आप इन्हें लेफ़्ट से राइट भी कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से लेफ़्ट राइट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको अगर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपके नेविगेशन बटन जो है वो हाइड हो चुके हैं। आप इधर से स्वाइप करेंगे तो आप बैक जाएंगे, इधर से स्वाइप करेंगे तब बैक जाते हैं, और आप यहाँ से स्वाइप कर देंगे तो डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। और आपको रिसेंट टास्क में पहुंचना है तो यहाँ पर स्वाइप करके यहाँ तक लाना है मिडिल तक, और यहाँ पर आप रिसेंट टास्क में पहुंच जाते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन हटा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।